गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो मैथ का टॉपिक है वो है एलसीएम। इससे पहले हम एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ये कर चुके हैं। जिस भी बच्चे को एचसीएफ करना वो पिछली वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एलसीएम। एलसीएम का मतलब क्या होता है? लीएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। लीएस्ट, छोटे से छोटा कॉमन फैक्टर जो सभी नंबर्स को डिवाइड करता हो, मल्टीपल, सॉरी, लीएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। इसको फैक्टर भी, मल्टीपल भी कह देते हैं, सॉरी। तो इसमें क्या होता है कि कॉमन मल्टीपल क्या होता है, जैसे एचसीएफ में कॉमन फैक्टर है, ऐसे इसी में कॉमन मल्टीपल। तो कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए सबसे पहले एक मेथड ये होता है कि आपको किसी भी नंबर की टेबल लिख लेनी है। जैसे मैंने 8 की लिखी और 12 की लिखी, ये टेबल लिखी, इनमें मैंने सबसे देखना कि कॉमन मल्टीपल क्या है इनका, जो ए की मल्टीपल हो, जो इन दोनों, ये इन ए दोनों नंबर उस मल्टीपल के साथ डिवाइड होते हो। जैसे ये देखो, जैसे इसमें क्या है कि 24 8 की टेबल में भी है, 12 की टेबल में भी है। इसके बाद है 48, 48 8 की टेबल में भी है और 12 की टेबल में भी है। इसके बाद 72 8 की टेबल में और 12 की टेबल में। तो ये जो दोनों ही टेबल्स में नंबर आ रहे हैं, ये क्या है? इनके कॉमन मल्टीपल हैं। कि इसका मतलब है कि ये दोनों नंबर 8 और 12, इन दोनों को कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीप्लाई करते हैं, या इनको कॉमन डिवाइड करते हैं, ठीक है। 24 को और 48 को और 72 को, ये इनके कॉमन मल्टीपल है। तो इसमें देखना है कि लीएस्ट, लीएस्ट का मतलब छोटे से छोटा मल्टीपल वो कौन सा होगा। तो ये 24 क्या होगा, 12 और 8 का ये क्या होगा, लीएस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, एलसीएम। एलसीएम किसका होगा, 8 और 12 का। तो ये मेथड है कि अगर आप किसी, अगर आपको टेबल आती है तो टेबल के जरिए आप ऐसे कॉमन मल्टीपल निकाल के उसका एलसीएम निकाल सकते हो। उसके बाद कुछ समय देखो, देखो फाइनल एलसीएम ऑफ 15 18 एंड 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए इनकी टेबल्स, सॉरी, इनका जो एलसीएम निकालना है। देखो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जैसे मैंने एचसीएफ में आपको आपको करवाया था ऐसे करके, ठीक है, वो था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड उसमें, ठीक है। तो इसमें एक तो आपका जो मेथड होगा, आपको 15 की टेबल लिखनी पड़ेगी, 18 की टेबल लिखनी पड़ेगी और 20 की, इन तीनों की टेबल लिख के फिर उसमें आपको कॉमन देखना पड़ेगा कि कॉमन क्या क्या है, फिर उसमें उसके बाद लीएस्ट कॉमन मल्टीपल देखना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा लंबा होगा इसका मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड एक और होता है, जैसे आप इन तीनों नंबर्स को लिख लो, डिवाइड करोगे, ठीक है, तीनों नंबर्स को। जैसे 15 था, 18 था और 20 था, तो इनको जैसे जैसे पहले 15 है, 15 को मैं 2 पे डिवाइड तो नहीं हूँ, तो मैं इसको सीधा सीधा 3 पे करूँगा, तो 3 5 जब 15, 5 1 जब 5, ठीक है जी। 15 डिवाइड हो गया, उसके बाद 18 है, 2 पे होगा तो 2 पे किया मैंने, 9 आ गया, 9 को 3 पे किया तो 3 आ गया, 3 को 3 पे किया, 1 पे किया तो, ठीक है, सॉरी, 3 को 3 1 जब 3 होता है, ठीक है। उसके बाद 20 को मैंने 2 पे किया, फिर 10 आया, फिर 2 को, और 10 को 2 पे किया, फिर 5 आया, 5 को 1 पे, 5 1 जब 1, ठीक है। तो इसके बाद जैसे ये 15 आया था, 15 का देखो, 15 के जो मल्टीपल थे 3 और 5 आए हमारे पास, जो 18 के मल्टीपल आए 2 3 3, ठीक है। उसके बाद 20 के 2 2 5, ठीक है। इसके मल्टीपल तो जैसे अलग होंगे, जैसे 15 3 के टेबल पे आता है, 5 के आता है, ठीक है, तो 18 6 के भी आता है, वो 6 यहीं पे बन जाता है, 2 3 6, 3 3 9, वो ये चीज़ें, ठीक है। अब देखो इनमें, अब देखने वाली क्या बात होती है इनमें, जब तक जब आप ये निकाल लोगे तो इनमें आपने देखना है कि इनकी पहले तो पावर लिख लेनी है। जैसे मैंने लिखा 3 की पावर 1, फिर
फाइव की पावर वन लिखी है मैंने, टू की पावर वन लिखी है, जैसे थ्री टू टाइम है तो थ्री की पावर टू लिख दी। अब देखो टू टू टाइम है तो टू की पावर टू टाइम, अब फाइव की पावर वन टाइम है, ठीक है। अब इसमें आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इसमें सबसे पहले तो जिसकी पावर ज़्यादा है जिस नंबर की, तो आपने वो लिखना है। जैसे यहाँ पे टू है, देखो टू यहाँ पे भी है, टू यहाँ पे भी है, और इसमें टू नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे टू की पावर सबसे ज़्यादा किसकी है, टू की पावर टू लिख रही है ये वाली। तो थ्री की पावर यहाँ पे टू है, थ्री ये भी रहा ये भी रहा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इसको छोड़ देना है, जिसकी पावर ज़्यादा वो रखनी। अब देखो फाइव है, फाइव की पावर यहाँ पे भी वन है और यहाँ पे भी वन है, तो इसका मतलब हमें एक फाइव और लेना पड़ेगा। अब देखो इसका, अब इसको आगे कैसे करना है, इसकी पावर टू की, टू की टू, टू की पावर टू, टू टू जा फोर होता है, थ्री की पावर टू, थ्री थ्री जा नाइन, और फाइव की पावर वन, तो फाइव वन जा वन, ठीक है। तो अब देखो फोर मल्टीप्लाई नाइन मल्टीप्लाई फाइव, अब इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, फोर नाइन जो 36, 36 फाइव जो 180, तो इसका मतलब क्या आ गया, जो 15, 18 और 20 का जो लीएस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, जो एलसीएम होगा, वो आपका होगा 180। जब आप इनको अगर टेबल की मेथड से करोगे तो आपको 15, 18 और 20 का जब आप टेबल करोगे उसमें जो कॉमन मल्टीपल आएंगे, आपका जो सबसे छोटा मल्टीपल होगा वो होगा 180, ठीक है। तो ये बस इसमें आपने, ये तो आप कर चुके हो एचसीएफ में, इसमें ये यहाँ पे ध्यान रखना आपको कि यहाँ पे कैसे क्या चीज़ कॉमन निकालनी है। इसके बाद हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एलसीएम ऑफ 105, 126, 147। देखो अब मैंने इनको उसी तरह, जैसे 105 को थ्री पे डिवाइड किया, थ्री थ्री या नाइन, वन बचा 15 हो गया, थ्री फाइव या 15, तो फाइव पे किया मैंने, तो 35 को 57 जा 35, 71 जा 7, ठीक है। 122 पे गया, 63 आ गया, थ्री पे गया, 21 आ गया, थ्री पे किया मैंने, फिर 7 आ गया, 7 को 1 पे किया, 7, ठीक है। ऐसे थ्री को 147, थ्री फोर जा 12, टू बचा 9, 27 हो गया, टू थ्री नाइन जा 27, तो देखो 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, तो ये मैंने किया ये, ठीक है। अब देखो 115 फाइव का क्या आया था, 357, 126 का 3327, 147 का 377, ये क्या है, ये जब आप इनको डिवाइड करते हो इस डिवीजन मेथड से, शॉर्ट डिवीजन मेथड से, तो ऐसे जो इस साइड आते हैं ये वाले, ठीक है, तो ये चीज़ें यही हैं। उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे, जब तक जब आप यहाँ तक कर लोगे, उसके बाद मैंने कहा था कि इनकी पावर कर लो, देखो ये थ्री एक बार है, फाइव एक बार है, सेवन एक बार है, तो इनकी पावर मैंने सभी की एक ही कर दी। तो यहाँ पे थ्री टू टाइम है तो थ्री की पावर टू कर दी, टू वन टाइम है, टू की जब पावर वन, सेवन वन टाइम है तो सेवन की वन टाइम, तो देखो थ्री वन टाइम है तो सेवन सेवन, थ्री की वन टाइम, सेवन टू टाइम है तो सेवन की टू पावर कर दी मैंने, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा था कि जिसकी पावर सबसे ज़्यादा है, देखो थ्री यहाँ पे, यहाँ पे थ्री है, थ्री की पावर सबसे ज़्यादा है, थ्री की पावर टू, थ्री इसमें भी है, थ्री इसमें भी है, ठीक है, तीनों में, तो इसकी पावर सबसे ज़्यादा किसकी है, थ्री की। अब सेवन देखो, सेवन इसमें भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे है, तो इसकी पावर कितनी है, सेवन की पावर टू है। अब यहाँ पे एक बार देखने वाली होती है, देखो सेवन आ गया, सेवन इसमें भी, इसमें भी था, इसमें भी, इसमें भी, सेवन आ गया यहाँ पे आपका, थ्री इसमें भी था, इसमें भी था, और इसमें भी था, थ्री भी आ गया आपका। उसके बाद देखो यहाँ पे फाइव है और यहाँ पे टू है, इनको हमने छोड़ना नहीं, इनकी पावर देखो जितनी भी पावर है तो इनको यहीं पे लिख लेना, जो नंबर अलग से हो, जैसे यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे चार और फोर होता तो यहाँ पे मैं फोर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता, ठीक है। तो अब देखो थ्री को टू टाइम लिखा, थ्री की पावर टू, सेवन को टू टाइम लिखा, सेवन की पावर टू हो गया, फाइव की वन पावर है, टू की वन पावर, तो इनको एक एक, थ्री
33 या 9, जैसे 97 या 6, 97 या 63, आगे 63 7 या, ठीक है, 441 होता है, तो 441 को 5 से करोगे, 5 से करने के बाद 2 पे जाए, इसको सीधा 5 2 या 10 होता है, 10 पे करोगे तो 4410 आएगा। ये हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा, लीएस्ट कॉमन मल्टीपल, किनका, जो हमारे 105 का, 126 का, 147 का, ठीक है। ये बस आपने जब करते हो, जब करना हो तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि यहाँ पे क्या चीज़ लेनी है आपने अच्छे तरीके से, ठीक है। तो इसके जो सम होंगे आपके, जैसे यही ये सम मैंने करवाया है, तो अब ये सम करने हैं आपने। आई होप आपको समझ आया होगा अच्छे तरीके से। थैंक यू सो मच।